मैं रुक कर रही हूँ दिल्ली का ही, क्योंकि मेरी सहयोगी पल्लवी जा लगातार हमारे साथ लाइव इस मामले को लेकर जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, यहाँ पर क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, कई बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैलाश गहलोत ने इंगित की है किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी सीबीआई का दबाव था उन पर। देखिए, जाहिर तौर पर इस तरीके की बातें सामने जरूर आती हैं जब पार्टी से कोई जाता है, और खासकर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से जितने भी उनके नेता या मंत्री जब भी गए तो कुछ इसी तरीके के बयान सामने भी आए, और आज भी कैलाश गहलोत को लेकर भी इसी तरीके का बयान सामने आया। लेकिन देखिए पूजा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को लेकर के कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उनके पार्टी के नुमाइंदे ही लगातार बयान दे रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगातार से पूछताछ कर रही थी। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा था पार्टी के नेताओं की तरफ से कि उन्होंने एक मन बना लिया था, वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते थे और इसीलिए वो चले गए, लेकिन बहुत तेज हमला नहीं कर रहे हैं। यानी देखिए, चुनाव अगले साल होना है और पार्टी को अभी ये समझ है कि अगर वो पार्टी के खुद के मेंबर को अगर किसी तरीके से घेरते हैं या सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। पार्टी ये जानती है कि एक बड़ा डेंट है, क्योंकि इससे पहले राजकुमार आनंद जो कि पार्टी के मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वाति मालीवाल जो है वो पार्टी में है लेकिन बावजूद इससे सरकार के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है, और ऐसे में कैलाश गहलोत का इस्तीफा, जाहिर तौर पर पार्टी ये जान रही है कि पहले से ही सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सीधे सीधे एलजी के हाथों में है, तो ऐसे में सरकार को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। और ये तय है कि आने वाले समय में चुनाव होना है तो पार्टी को न सिर्फ मजबूती के साथ जनता के बीच में जाना होगा बल्कि इसका ध्यान रखना होगा कि पार्टी को कोई बड़ा डेंट ना लगे। लेकिन चूंकि इस तरीके से इस्तीफा हुआ है और पत्र में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं तो पार्टी इसको लेकर के जरूर आने वाले समय में बहुत सजगता दिखाएगी और फूक फूक के कदम रखेगी। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि कैलाश गहलोत की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, पार्टी के बहुत अहम मेंबर माने जाते थे, लेकिन कहां से कहानी खराब होनी शुरू होती है वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पृष्ठभूमि में बताती हूं कि देखिए, आपको याद होगा कि 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर के दिल्ली सरकार से नाम आया था आतिशी का, लेकिन एलजी की तरफ से नाम दिया गया कैलाश गहलोत का, वहां एक टसल साफ तौर पर दिखाई दिया। लेकिन अगर उसके बाद से पृष्ठभूमि देखें और तो बड़े फैसलों में कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत नजारत दिखे, खास करके जब आतिशी का सीएम के तौर पर नाम चल रहा था उस वक्त कैलाश गहलोत का फ्रंट नाम दिया जा रहा था। पल्लवी, ठीक है पल्लवी, क्योंकि समय कम है मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर लगातार न्यूज 24 की इस खबर पर बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।